एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आपको बता दें कि आज एक बार फिर से कश्मीर घाटी में एनकाउंटर देखने को मिला है और ये एनकाउंटर जो है ज़िला कुपवाड़ा में जारी है, जहां पर दो आतंकवादियों को मारने में सफलता हाथ लगी है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी दी कि कुपवाड़ा ज़िले के माछिल इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। सेना और कुपवाड़ा पुलिस मोर्चा संभाले हुए हैं। मौके पर कितने आतंकी मौजूद हैं अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस एनकाउंटर में अभी तक दो आतंकवादी मारे गए हैं। ये दोनों आतंकवादी किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं इसका पता लगाया जा रहा है और ये आतंकवादी यहाँ पर किस तरह से आए इस पर भी जो है जांच की जा रही है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है, दोनों ओर से गोलियों का आदान प्रदान किया जा रहा है, जिसमें हमारी सुरक्षा कर्मियों को सफलता मिली है। उन्होंने दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि दो आतंकवादियों को मारने में सफलता हाथ लगी है। पूरे इलाके को हमारे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकवादी यहां पर छिपे हुए हैं, जिनके सफाई के लिए ऑपरेशन जारी है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज़।